ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 56, पहला क्वेश्चन है कि दो लूप्स हैं, इस फर्स्ट कॉइल में करंट को हमने क्या किया, इंक्रीज किया। फर्स्ट कॉइल में करंट को इंक्रीज किया, तो फर्स्ट कॉइल अपने सेंटर पे बी को इंक्रीज करेगी इस तरफ, मान लो। साथ में एक और कॉइल पड़ी हुई थी, उसका बी भी बढ़ गया। अब वो ये नहीं चाहेगी कि इसका बी बढ़े, तो वो क्या करेगी, इस कॉइल से दूर भाग जाएगी ताकि अपने बी को क्या कर सके, फ्लक्स को क्या कर सके, कम कर सके। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, लूप्स विल रिपेल ईच अदर, रिपेल ईच अदर। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? ठीक सर, शीट नंबर बता दो एक बार। 56, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आपके पास कोई भी कॉइल है मैग्नेटिक फील्ड में इस तरीके से रोटेट कर रहा है, तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। हमने एक एसी जनरेटर किया था इसका एग्जांपल, ठीक है। लेकिन अगर वो ऐसे रोटेट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, इसका कोई भी फ्लक्स चेंज नहीं होगा, और अगर कोई भी इसका फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो इसमें ईएमएफ जनरेट नहीं होगी। और ये वही क्वेश्चन है कि आप इसको ऐसे रोटेट कर रहे हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स इसका कोई चेंज नहीं होगा, तो कॉइल जो है इसमें चेंज इन फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा। क्लियर है यहाँ तक? जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में एक मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, पहले कॉइल ऐसे पड़ा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ पड़ा हुआ है, तो एरिया वेक्टर कहाँ है इसका, इस तरफ, परपेंडिकुलर टू दी कॉइल। बी कहाँ पर है, इस तरफ, तो एरिया में और बी में एंगल क्या बनेगा, 90। ये कहता है कि इस कॉइल को आपने रोटेट कर दिया भाई 90 डिग्री, तो आपने 90 डिग्री घुमा दिया। अब बी तो अभी भी यहीं पर है, तो एरिया वेक्टर क्या हो गया, जीरो एंगल पे हो गया। अब एरिया और बी दोनों एंगल जीरो हैं, और पहले एरिया और बी में एंगल क्या था, 90। तो चेंज इन फ्लक्स निकाल लोगे, और 90 डिग्री घूमने में कितना समय लिया उसने, टोटल रोटेशन में टाइम टेकन कैपिटल टी। 90 डिग्री एक क्वाड्रेंट होता है, घूमने में T/4, तो आपको ईएमएफ निकालनी है इसमें। तो चेंज इन फ्लक्स क्या होगा, फाइनल फ्लक्स क्या होगा, बी ए कॉस 90, और इनिशियल फ्लक्स क्या है, बी ए कॉस 0। तो चेंज इन फ्लक्स आ गया 90 डिग्री रोटेशन के लिए T/4, टी क्या है, 2π/ओमेगा। तो चेंज इन फ्लक्स को अगर हम डिवाइड करेंगे टाइम से, आपके पास ईएमएफ की वैल्यू आएगी। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे 90 डिग्री रोटेशन के साथ इसका आंसर आएगा। कैसे करना चाहते हो मुझे बता दो, ऐसे करना है तो एंगल क्या, आप क्या बोल रहे हो, बी ए कॉस 180 लेना है, हाँ ले लो, मैग्नीट्यूड तो वही है, इसमें कौन सा कोई नेगेटिव साइन लगे हुए हैं, मैग्नीट्यूड ही मार्क करना है, फ़र्क क्या पड़ रहा है, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट इस क्वेश्चन को पढ़ें प्लीज़। इस क्वेश्चन के अंदर ये आपके सामने मैग्नेटिक फील्ड इसमें प्रेजेंट है और कॉइल प्रेजेंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड इन टू द प्लेन ऑफ द पेपर एंड इज वेरिंग एज, फाई की वैल्यू वेरी कर रही है टाइम के साथ, तो फाई टाइम के साथ वेरी कर रहा है। दी मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ कब, जब टाइम कितना है, 2 सेकेंड, कितना होगा, तो 2 सेकेंड पे ईएमएफ क्या होगी। मुझे एक बात बताओ, अगर फ्लक्स टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो ई क्या होता है, माइनस D/dt, इसको डिफ्रेंशिएट करके क्या आएगा, ई आएगा। तो इसमें अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें -D/dt, तो यहाँ पर फाई की वैल्यू पुट करके डिफ्रेंशिएट करेंगे, आपके पास डिफ्रेंशिएट करके ईएमएफ आएगा, और आपको टाइम कितना गिवन है, 2 सेकंड, 2 सेकंड के ऊपर टाइम को 2 सेकंड पुट करेंगे तो ईएमएफ की वैल्यू आएगी, आंसर आ गया। तो ईएमएफ तो आ जाएगी। अब क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो चेंज हो रहा है वो कैसे चेंज हो रहा है, वो इन टू द प्लेन ऑफ द पेपर है। अब इन टू द प्लेन ऑफ द पेपर इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज क्यों, क्योंकि टाइम जब बढ़ेगा तो फाई भी बढ़ेगा, तो इसका फ्लक्स इनसाइड इंक्रीज हो रहा है, पर कॉइल नहीं चाहेगा कि इसका फ्लक्स बढ़े, तो इसका फ्लक्स अंदर की तरफ बढ़ रहा है, तो कॉइल क्या चाहेगा, अपना बी कैसे कर लेगा बाहर, और करंट कैसे घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि बी अंदर बढ़ रहा है, कॉइल भी बाहर कर लेगा, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज में करंट कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, तो यानी कि करंट कैसे जाएगा रेजिस्टेंस में, लेफ्ट से राइट जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या है, लेफ्ट टू राइट, और 31 मिलीवोल्ट। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे सोच रहे हैं इन टाइप के क्वेश्चंस में, ठीक है। यहां तक इस क्वेश्चन को एक बार देखें,
देखो वायर लूप कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, ये दो पार्ट्स हैं, इट इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, तो बी कैसे है, बोर्ड के इनसाइड है, एंड इज इंक्रीजिंग विद टाइम, तो आप ये सोचो अगर बी इनसाइड इंक्रीज हो रहा है तो कॉइल नहीं चाहेगा कि इसका बी इंक्रीज हो, कॉइल क्या करेगा, अपना बी कैसे कर लेगा बाहर, तो कैसे करंट घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो करंट कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज, इसमें बाईसिमेट्री पोटेंशियल सेम होगा तो इसमें कोई करंट जाएगा नहीं। हालांकि इसका एक और तरीका एक्सप्लेन करने का, आप इसको दो हिस्सों में बांट लें, सेमी सर्कल सेमी सर्कल, तो क्योंकि करंट एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है तो इसमें जाएगा एंटी क्लॉकवाइज तो ऐसे घूमेगा, इसमें जाएगा एंटी क्लॉकवाइज तो ऐसे घूमेगा, तो सेंटर वाली वायर में करंट कैंसिल होता हुआ सेंटर में कोई करंट नहीं जाएगा, बाहर ही बार एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है यहाँ तक, तो एंटी क्लॉकवाइज करंट है इसमें। नेक्स्ट, कंडक्टिंग रिंग आर इज प्लेस्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ बार मैग्नेट एम, तो बार मैग्नेट है और बार मैग्नेट को पास लाया जा रहा है इस कॉइल के, तो अब क्या क्या करना है आपको इसमें, जब मैग्नेट पास लेके आओगे तो कॉइल में करंट पैदा होगा इंड्यूस्ड, जो कि बार मैग्नेट के पास आने को रोकेगा, कैसे रोकेगा, अगर ये नॉर्थ पास आ रहा है तो यहाँ पर भी नॉर्थ डेवलप कर लेगा, नॉर्थ नॉर्थ विल रिपेल ईच अदर, तो इसका आंसर कहीं ना कहीं रिपल्शन का होगा, तो इसमें रिपेल हो जाएगा टुवर्ड्स आर। क्लियर है यहाँ तक, पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक, ठीक, इसका आंसर। तो इसमें ये तो क्वेश्चन किया हुआ है, कितने लोगों को याद आ रहा है क्वेश्चन किया हुआ है, थ्योरी है ये, अमाउंट ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग का टॉपिक किया था कि जो चेंज इन फ्लक्स अपॉन रेजिस्टेंस आर इज अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ट, सीधा फॉर्मूला पूछ रहा है वो, आंसर याद है, अमाउंट ऑफ चार्ज का एक्सप्रेशन था, इसका आंसर। थिन सर्कुलर रिंग ऑफ एरिया ए इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, तो इसके अंदर क्या गिवन है कि एक सर्कुलर रिंग है, एरिया ए है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और ये परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, तो एरिया वेक्टर बी के साथ है, तो एंगल बिटवीन बी एंड ए इज जीरो, तो फ्लक्स इनिशियल क्या होगा, बी ए। ठीक है यहाँ तक, इनिशियल फ्लक्स बी ए कॉस जीरो। Small cut is made in the ring and galvanometer is connected across its end such that total resistance of ring is R. अगर suddenly ring को squeeze कर दिया, खत्म कर दिया area, तो area ही खत्म कर दिया तुमने, तो flux क्या हो गया, zero. तो पहले flux क्या था, BA, अब flux क्या है, zero. क्या निकालना है, current निकालना है, तो निकाल लो, change in flux क्या है, BA, resistance क्या है, R, answer. तो इसमें जो भी flux का change है, तो फ्लक्स का चेंज बाय रेजिस्टेंस आर क्या करोगे, चार्ज आ जाएगा इसमें, तो हमने अभी देखा था कि अमाउंट ऑफ चार्ज कितना फ्लो करता है, उसका फॉर्मूला क्या था, चेंज इन फ्लक्स बाय रेजिस्टेंस आर। ठीक है यहाँ तक, इसका आंसर। कितनों को समझ में आ गया, आ गया, एक काम करो, ये ना लूप थोड़ा सा छोटा है, थोड़ा सा ना मैग्नीफाई कर लो, ऐसा करते हैं, ये बी है, ये ए है,
ऐसा कर लूँ थोड़ा बेटर सा लग रहा है मुझे, ये देखो ये थोड़ा ठीक है, क्या कर सकते, बड़ा कर लिया, आप क्या करें, ये वाला पोर्शन को बड़ा कर लिया और क्या करेंगे, कुछ कुछ ऐसा खोल लिया, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इसमें डायरेक्टेड इनटू द प्लेन एंड इज डिक्रीजिंग, तो मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। खोल लो, अगर ऐसा समझ नहीं आता ऐसे कर लो, आप ये ए बी पोर्शन को ऐसे रहने दो, अंदर की वायर को खोल लो, खोलने का मतलब पूरा रेक्टेंगल तैयार हो जाएगा, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, पूरा ओपन ही कर लो इसे, चाहे वायर ही तो है, वायर को खोल के पूरा रेक्टेंगल बना लो। और अगर बी इनसाइड की वैल्यू डिक्रीज हो रहा है तो कॉइल कहेगा मैं डिक्रीज नहीं होने दूंगा, मैं भी बी कैसे कर लूंगा, इनसाइड कर लूंगा, तो करंट कैसे घुमाऊंगा, इन क्लॉकवाइज, तो यानी कि करंट कैसे जाएगा, ए से बी जाएगा और डी से सी जाएगा। तो मतलब अगर ए से बी जाएगा तो ये गया ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, ऊपर आएगा और फिर ऐसे, तो ए से बी जाएगा, डी से सी जाएगा, ऐसे। तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक, थोड़ा ओपन करके जल्दी समझ में आएगा, ये क्लियर है, ऑनलाइन क्लियर है, सर बोलो। सर ये लास्ट क्वेश्चन एक बार बता दो फिर से। देखो इसमें आपने क्या करना है, मैंने बताया कि आप ना इसे थोड़ा बड़ा बना लो ना, ये ए है, ये बी है, तो आप ये गैप ना छोटा है, आप थोड़ा बड़ा करो इसे, ये देखो ऐसे कर लो, ये आपका सी है और ये डी है, ऐसे कर लो, थोड़ा बड़ा कर लो, तो मैग्नेटिक फील्ड अगर बोर्ड के अंदर है तो कॉइल भी बोर्ड के अंदर बी करेगा, तो करंट कैसे घुमाएगा, क्लॉकवाइज, ये देखो, तो ए से बी, आप सी से डी को भी छोड़ो, आप इतना समझ पा रहे हो कि करंट ए से बी जाएगा, अगर ए से बी भी समझ में आता है तो वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ए से बी गया, नीचे आया, इधर गया, इधर गया, ऊपर आया और फिर डी से सी गया, अगर आपको एक वायर का करंट पता लग गया फिर बाकी तो निकाल ही लोगे, तो ए से बी जाएगा, डी से सी जाएगा। ओके सर, इसका आंसर तो इसमें इलेक्ट्रॉन मूव्स अलॉन्ग लाइन ए बी, एक इलेक्ट्रॉन ए बी लाइन के साथ मूव कर रहा है, सामने लूप पड़ा है, आपको बताना है कि करंट इसमें कैसे डायरेक्शन चेंज करेगा। देखो एक बड़ा सिंपल लॉजिक है, अगर इलेक्ट्रॉन पास आ रहा है, पास आता हुआ इलेक्ट्रॉन कुछ करंट तो कंट्रीब्यूट करेगा, तो इसका फ्लक्स बढ़ेगा, और फिर जब इलेक्ट्रॉन दूर चला जाएगा तो कॉइल का फ्लक्स कम होगा, तो जब फ्लक्स बढ़ रहा है और जब कम हो रहा है तो करंट अपनी डायरेक्शन को क्या कर लेगा, चेंज। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन पास आ रहा है, फ्लक्स बढ़ रहा है, तो अगर मान लो करंट क्लॉकवाइज है, कुछ भी एज्यूम कर लो क्लॉकवाइज है, और अगर इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है, फ्लक्स कम हो रहा है, तो उसी टाइम करंट क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसलिए सीधा आंसर है, करंट विल चेंज द डायरेक्शन एज इलेक्ट्रॉन पासिस बाय। उसने डायरेक्शन ऑफ करंट पूछा नहीं है, पर वैसे पूछ रहा है कि करंट की डायरेक्शन कैसे होगी, चेंज हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट खत्म हो गया। 57 इस क्वेश्चन का आंसर पढ़ो, क्वेश्चन ये क्वेश्चन ईएमआई का है ही नहीं। वो कह रहा है एक लॉन्ग सोलेनोइड है, पार्टिकल ऑफ मास एम एंड चार्ज क्यू इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ द सोलेनोइड, तो एक्सेलरेशन का क्या होगा जब ये सोलेनोइड के अंदर पास करेगा। एक सोलेनोइड के अंदर अगर करंट है तो बी कैसे होगा, एक्सिस के ऊपर होगा,
बी अगर एक्सिस पे होगा और इलेक्ट्रॉन भी एक्सिस या चार्ज भी एक्सिस के ऊपर मूव करेगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ बी, तो इट विल एक्सपीरियंस नो फोर्स। और जब फोर्स ही एक्सपीरियंस नहीं करेगा तो फिर जी में क्या चेंज होगा? कुछ भी नहीं, उसके ऊपर एक्सेलरेशन लगेगी नहीं। तो क्या लगेगी? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो वो जी के साथ ही नीचे गिर जाएगा, बातें खत्म। तो मैग्नेटिक फोर्स इसमें कोई रोल प्ले नहीं करेगी। मैंने कहा कि अगर ये सोलेनोइड है और करंट मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होगा, चार्ज भी ऐसे नीचे गिर रहे हैं, तो जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के साथ मूव करता है तो वो फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता, इसलिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी के साथ ही नीचे गिरेगा। मैग्नेटिक फोर्स इस पर कोई एक्सेलरेशन चेंज नहीं लेके आएगी। नेक्स्ट, तो फिगर शोज टू सर्कुलर रिंग्स, देख रहे हो सर्कुलर रिंग्स एंड नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस बाय, इसकी वायर की नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस है। इफ़ द अरेंजमेंट इज प्लेस इन अ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ क्या कर रहा है? अपने वैल्यू को चेंज कर रहा है, तभी तो डी वी बाई डी टी गिवन है। एंड रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर इज लैम्डा, रेजिस्टेंस नहीं, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इज लैम्डा। तो अगर इस सर्कल की लेंथ 2πa है तो रेजिस्टेंस क्या होगी? लैम्डा इंटू 2πa। इसका सर्कमफ्रेंस या लेंथ क्या है? 2πb, तो रेजिस्टेंस क्या होगी? लैम्डा इंटू 2πb। तो कुल मिला के टोटल रेजिस्टेंस क्या होगी दोनों रिंग्स की? 2πa प्लस 2πb इंटू लैम्डा, तो टोटल रिंग्स की रेजिस्टेंस आ जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? आपको इस क्वेश्चन में डी वी बाई डी टी के गिवन है, आपको इंड्यूस करंट बताना है। एक काम बताओ, एक चीज़ बताओ, फ्लक्स क्या होगा? बी बोर्ड के अंदर है और एरिया क्या है दोनों रिंग्स का? पाई ए स्क्वायर प्लस पाई बी स्क्वायर। तो एरिया अंदर है, बी भी अंदर है, तो एंगल बिटवीन देम इज जीरो, तो फ्लक्स क्या होगा? बी इंटू एरिया, फ्लक्स आ गया। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगी? इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है डी फाई बाई डी टी, और इंड्यूस करंट क्या होता है? ईएमएफ बाई रेजिस्टेंस आर। तो 1/r इंटू डी फाई बाई डी टी। एक काम करते हैं, यहां से डी बाई डी टी ऑफ फाई, फाई हम निकाल चुके हैं, ये रहा, पुट कर देते हैं, बी इंटू पाई इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ गया। यहाँ से 1/r, यहाँ से बी इंटू पाई, ओ सॉरी बी इंटू पाई नहीं, बी तो चेंज हो रहा है इसमें, तो इसमें काम करना पड़ेगा पाई इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाहर, और क्या बचेगा? डी बी बाई डी टी। डी बी बाई डी टी क्वेश्चन में कितना गिवन है? के। तो मेरे ख्याल से स्टेप समझ में आ रहा है, के लिख दिया, एरिया लिख दिया, रेजिस्टेंस की वैल्यू पुट कर दी, लैम्डा इनटू लेंथ। तो ये स्टेप समझ में आया कैसे किया? फिर एक बार देख लो, एक बार ये देखो, थोड़ा जगह नहीं थी इसमें, द्वारा कर देता हूँ। तो इसके अंदर मैंने ये बताया कि यहाँ पर ये बी है ना, फ्लक्स है ना, तो ईएमएफ क्या होगी? डी बाई डी टी ऑफ फाई, फाई कितना है? बी इंटू पाई इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये स्टेप क्लियर है? यहाँ से पाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन, तो क्या बचेगा? डी बी बाई डी टी। डी बी बाई डी टी क्या होता है? के। तो ई एम एफ की वैल्यू क्या आ गई? पाई इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू कितना? के। तो करंट की वैल्यू क्या है? ई डिवाइडेड बाई आर, तो पाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू के बाई रेजिस्टेंस आर, और रेजिस्टेंस आर क्या है? लैम्डा इंटू टोटल लेंथ 2πa प्लस। ये पॉइंट क्लियर है? तो ये आंसर आ गया। तो समझ में आ रहा है यहाँ तक? रेजिस्टेंस को लैम्डा से मल्टीप्लाई करके लेंथ और रेजिस्टेंस आ गई, और बी इंटू एरिया से फ्लक्स आ ही गया था, डिफ्रेंशिएट करके ईएमएफ आ गई। तो स्टेप सबको समझ में आ रहा है कि कैसे सोचना है इस क्वेश्चन में? कोई डाउट इसमें? ऑनलाइन क्लियर है? यस सर। इसी क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन है, पहले वायर देखो कैसी थी, पहले वायर ऐसी थी, इन में से एक को ट्विस्ट कर दिया, पलट दिया, इसको पलट दिया, तो डायग्राम देखो ऐसा बन गया। अब कहते हैं करंट क्या होगा, क्वेश्चन सेम है, बस अब
पहले दोनों सीधे सीधे थे, अब एक उल्टा हो गया, कहाँ फर्क पड़ा उल्टा करने से? किसकी डायरेक्शन में? करंट की जगह और कुछ, एरिया, क्योंकि पहले बी में और एरिया में दोनों रिंग्स में एंगल क्या था? जीरो जीरो। अब एक को उल्टा कर दिया तो एक में तो एंगल बच गया जीरो और एक में क्या हो गया 180। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? बस इतना ही फर्क है। तो इस क्वेश्चन में पाई इंटू एरिया स्क्वायर माइनस पाई इंटू बी स्क्वायर, ऐसा क्यों? क्योंकि फ्लक्स क्या है? बी इंटू एरिया इंटू कॉस जीरो, और दूसरा फ्लक्स क्या है? बी इंटू एरिया इंटू कॉस 180। कॉस 180 क्या होता है? माइनस वन, इसलिए साइन बीच में क्या आएगा? प्लस की जगह माइनस। कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक इस क्वेश्चन का आंसर? देखो इसमें कितने लोगों को समझ में आ गया डायरेक्शन कैसे होगी? इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है? इंक्रीजिंग। तो बी की वैल्यू अंदर इंक्रीज हो रही है, कॉइल नहीं चाहेगा बी इंक्रीज हो, कॉइल इसमें इंड्यूस करंट पैदा करेगा ताकि अपने बी को बढ़ा सके। इस टाइप की प्रॉब्लम में जिसमें वायर को मरोड़ रखा हो, ट्विस्ट कर रखा हो, पहले खोल लो, सीधा कर लो। सीधा कैसे? ये सी है, ये डी है, इसको ना उल्टा पहले करो, तो उल्टा करोगे रेक्टेंगल बनेगा, ए नीचे आएगा और बी ऊपर, ए को नीचे बी को ऊपर, देखो खुल गई वायर, रेक्टेंगल बन गया। तो एक्चुअल में डायग्राम ऐसा था, पर हमने इस पोर्शन को ट्विस्ट कर दिया तो डायग्राम ऐसा बन गया। समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो जब ओपन किया तो ऐसा डायग्राम बन गया। तो अब अगर बी की वैल्यू इनसाइड इंक्रीज हो रही है तो ये नहीं चाहेगा इंक्रीज हो, ये अपना बी बाहर कर लेगा, तो करंट कैसे घूमेगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो यानी कि आंसर क्या होगा? सी से लेके बी तक होगा और ए से लेके डी तक होगा। तो मीन सी से लेके बी, इसमें आंसर क्या है? डी से लेके सी, हाँ ठीक है, डी से लेके सी तक होगा, बी से लेके ए तक होगा, सही है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि जिन वायर्स में इसको मरोड़ रखा होगा उसको पहले सीधा कर लिया करो, उसके बाद आंसर अपने आप आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं लेकिन ऐसे थोड़ा मुश्किल होगा सोचना आपके लिए, क्योंकि एक में एंगल जीरो बनेगा, एक में एंगल 180 बन जाता है ऐसे केस में। तो बेटर इसको खोल के देख लो और फिर एक बार आंसर दे दो इसका। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक? इसका वेरिएशन ही याद करना पड़ेगा, लंबा क्वेश्चन है, इसका मैथमेटिकल प्रूफ काफ़ी बड़ा है, इसका इंटीग्रेशन बेस्ड है। इसमें वो कह रहा है कि एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकल रहा है। तो जब ट्राइंगल का एरिया बाहर निकलेगा, देखो जब तक ये ट्राइंगल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है इसमें कुछ ना होने वाला, कोई करंट पैदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फील्ड चेंज ही नहीं होगा, फ्लक्स चेंज ही नहीं होगा। लेकिन जैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड के एरिया से बाहर निकलेगा तो एरिया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कम 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 होता होता पूरा लूप बाहर खिसक गया, तो एरिया क्या हो गया इसका? फ्लक्स क्या हो गया? जीरो। तब तक इसमें करंट पैदा होगा। तो करंट की वेरिएशन ड्रॉ करनी है क्या होगी? तो एरिया की वैल्यू इसमें क्या होती जा रही है? कम, पहले पूरा एरिया अंदर है, फिर एरिया मैग्नेटिक फील्ड में कम 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 और फिर बिल्कुल जीरो। तो इन दी एंड करंट को तो जीरो होना ही है, तो इन दी एंड करंट को तो जीरो होना ही है, करंट को जीरो ये तो हो नहीं सकता, ये भी हो नहीं सकता, तो इन दी एंड करंट को जीरो होना ही है। फिर इसमें यूनिफॉर्म है, आपका एरिया बेसिकली डिक्रीज ही होता जा रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि पहले इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हुआ कि वेरिएशन ऐसे बनेगी। इसमें तो कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है, तो एक ही टाइप का ग्राफ बनेगा इसमें कि पहले बहुत सारा एरिया अंदर था तो करंट ज़्यादा था, फिर एरिया कम कम होता 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 बिल्कुल क्या हो गया? जीरो हो गया। वैसे अगर करना हो मैथमेटिकल प्रूफ तो लंबा काम है, इसमें ना इसका पोर्शन लेना पड़ेगा, पहले पोर्शन में इसका एरिया निकालना पड़ेगा स्मॉल एलिमेंट का, फिर स्मॉल फ्लक्स निकलेगा, उसको इंटीग्रेट करके टोटल फ्लक्स आएगा। लंबा है पर जरूरत नहीं है करने की, ये वेरिएशन सिंपल है और ऐसे याद कर लें। समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो इसमें ये क्वेश्चन किया हुआ है हमने, रिपेल ईच अदर, सेम क्वेश्चन है, ये देखें।
अ थिन सेमी सर्कुलर कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस आर इज फॉलिंग विद इट्स प्लेन वर्टिकल इन हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक इंडक्शन बी एट द पोजिशन एम एन ओ, ये पोजिशन देख रहे हो, स्पीड ऑफ द रिंग इज वी, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, बी एल वी रिंग होगी, होगी हमने तो रॉड लेनी होती है, तो रॉड की लेंथ क्या है यहाँ पर, रॉड की लेंथ है 2R, याद है सेमी सर्कल के अंदर रॉड लिया करते थे, तो रॉड नीचे आ रही है विद अ वेलोसिटी ऑफ वी, तो रॉड अगर 2R लेंथ की है, वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, तो मोशनल ईएमएफ क्या होगा, बी एल वी, बी इंटू लेंथ की जगह 2R इंटू वी, डायरेक्शन क्योंकि रॉड नीचे आ रही है तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल बी बोर्ड के अंदर है और थंब नीचे है तो करंट कहाँ होगा, राइट, और करंट अगर राइट होगा, करंट अगर राइट होगा तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो ये हायर पोटेंशियल पे होगा, क्यू इज एट हायर पोटेंशियल, क्योंकि इंड्यूस करंट ऑलवेज मूव फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक, इसका आंसर तो इसके अंदर ये मैंने थोड़ा लंबे तरीके से किया, मैं इसको छोटे तरीके से करता हूँ, ध्यान आगे ऐसे करो इसे, ये रॉड टेढ़ी है, ये रॉड है, इस रॉड की जो लेंथ है वो क्वेश्चन में क्या गिवन है, 2L गिवन है, इसका वेलोसिटी वेक्टर कहाँ पर है, नीचे है, तो अगर ये थीटा तो ये भी क्या है, थीटा, तो ये आपका वेलोसिटी वेक्टर मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा, हम रॉड के साथ वेलोसिटी हमेशा कैसे लेते थे, परपेंडिकुलर, तो v का कंपोनेंट ले लो, बोलो v का कंपोनेंट क्या आएगा, v साइन थीटा, तो मोशनल ईएमएफ बोलो b लेंथ की जगह 2L और वेलोसिटी की जगह v साइन थीटा, तो b इंटू यहां पर लिखेंगे b इंटू लेंथ 2L इंटू कितना v साइन थीटा इज द आंसर, यही आंसर है, तो बेस्ट तरीका है आप वेलोसिटी के कंपोनेंट ले लो, सबसे बढ़िया है b लेंथ और वेलोसिटी का जो भी परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट होगा आंसर, सही है, यहां तक समझ में आ रहा है, होता होगा, तो रॉड को रोटेशन वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, ईएमएफ कैसे बोल रहे हो, रोटेट कर रहे नहीं, वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, आगे क्या हुआ मालूम नहीं है, तो मालूम ही है यार, बस वो वेलोसिटी वी गिवन है, वैसे वेलोसिटी का वेक्टर ना यहाँ की बजाय यहाँ देना चाहिए था, सेंटर में देना चाहिए था, सही कह रहे हैं, अब क्योंकि ऐसे लग रहा है घूमेगा ये, गलत ही है, वेलोसिटी सेंटर में होनी चाहिए, देखो एक ना इसमें बहुत बड़ी कन्फ्यूजन होती है, मैं वो कन्फ्यूजन दूर कर दूँ, ये रेजिस्टेंस आर आर फिक्स है, ये रॉड मूव कर रही है, इसकी रेजिस्टेंस भी आर है, जब रॉड मूव करेगी मोशनल ईएमएफ है, तो ईएमएफ कितनी डेवलप होगी, बीएलवी, राइट, अगर करंट निकालना है तो बीएलवी को टोटल रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दें, करंट आ जाएगा, कॉमन मिस्टेक, ये आर है
ये आ रहा है, ये आ रहा है, तीनों आर कनेक्टेड इन पैरेलल। गलत हो जाएगा आंसर, पैरेलल है ही नहीं। आप कहोगे कैसे, 2 महीने पहले तो पैरेलल था अभी इलेक्ट्रिसिटी में, आज कैसे पैरेलल नहीं। देखो जो रॉड मूव कर रही होती है ना, उसकी रेजिस्टेंस को बीच में मिक्स नहीं करना। अच्छा ऐसे सही, मन में एज्यूम करो कि ये मोशनल ईएमएफ जनरेट कर रही है, तो इमेजिन करो कि इसकी जगह एक बैटरी कनेक्टेड है बीएलवी, इसकी जगह एक बैटरी कनेक्टेड है जिसकी ईएमएफ कितनी है बीएलवी, ठीक है। तो जो रॉड मूव कर रही है, समझो बैटरी का काम कर रही है, तो इस बैटरी की रेजिस्टेंस क्या है आर, रॉड की रेजिस्टेंस आर। ये जो बाकी जो दो रेजिस्टेंसेज हैं, ये और ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल पैरेलल में आंसर क्या आएगा, आर बाई टू। अब ये आर बाई टू और बैटरी की रेजिस्टेंस कितनी है इसमें, आर, बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज, आंसर। तो जो रॉड मूव करती है उसको बाकी रेजिस्टेंस के साथ मर्ज नहीं करना, जो रॉड मूव करती है इमेजिन करें वो बैटरी का काम कर रही है बस, फिर आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। हमने लास्ट टाइम थ्योरी में भी ऐसा सीखा था कि आप इसको कंपेयर कर लिया करें, वो इसलिए सीखा था क्योंकि रेजिस्टेंस की गड़बड़ नहीं होगी उसमें। तो आप इसको ऐसा नहीं कर सकते आर 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 पैरेलल में, आप बैटरी लगाएं बाकी को जो मर्जी करें, क्लियर है। तो बैटरी यानी कि जो रॉड है, रॉड की रेजिस्टेंस एंड में एडजस्ट होएगी सीरीज में, पक्की बात है, क्लियर है। डिफरेंस समझ में आ रहा है, कैसे सोचना है, नहीं तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन, ऐसे नहीं सोचेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार सोचो, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ रॉड पी क्यू ऑफ लेंथ क्या एल इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ एल फ्रॉम वन एंड। अब प्रॉब्लम यह है कि हमने जो रॉड घुमाई थी ना उसका ये एक्सिस होता था, इसके अबाउट ही घूमती थी, तो हमें फॉर्मूला याद था हाफ बी ओमेगा इन टू एल स्क्वायर। पर प्रॉब्लम यह है कि इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो ये नहीं है, एक्सिस रोटेशन ये है, मतलब इसके अबाउट, मतलब कि इस ओ पॉइंट के अबाउट के रॉड के दोनों एंड्स मूव करेंगे इस तरीके से, जबकि हमने अपनी क्लास में ये किया था कि रॉड ऐसे मूव करेगी और इसका ये एंड फिक्स है। ये रिजल्ट हमें याद है पर ऐसा हमने किया नहीं है, तो डिफरेंस समझ में आ रहा है यहाँ तक। तो एक बहुत बेस्ट तरीका है इसको सॉल्व करने का, आप इमेजिन कर लें कि रॉड पूरी की पूरी रॉड है जिसकी लेंथ 2L है, इमेजिन कर लें कि 2L लेंथ की रॉड घूम रही है। अगर 2L लेंथ की रॉड घूमती है नहीं पर चलो इमेजिन करें, तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि Q और O पॉइंट है तो इनके बीच में EMF क्या होगी, तो आप अपना आंसर क्या देंगे, हाफ बी ओमेगा इंटू 2L का स्क्वायर, क्योंकि टोटल लेंथ क्या ली जाएगी उसमें 2L, तो Q और O का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। पहला पॉइंट क्लियर है,
ठीक है, अब इमेजिन करें कि आपकी जो रॉड है वो सिर्फ ओ और पी तक है, बस ओ और पी तक है, बस है नहीं, इमेजिन करें। तो अगर ओ और पी की रॉड घूमती है तो पी और ओ के बीच में ईएमएफ का ये फॉर्मूला, लेंथ की जगह क्या पुट करेंगे, एल, तो ये क्या आ गया, वी पी माइनस वी ओ। तो इमेजिन करो आपने पूरी लेंथ लेके वी क्यू माइनस वी ओ निकाल दिया, इस लेंथ को लेके वी पी माइनस वी ओ निकाल दिया, तो ये दो टर्म्स आ गई। आप अगर इन दोनों टर्म्स को माइनस कर लें तो ये वाली टर्म कैंसिल, और यही तो निकालना है, वी क्यू माइनस वी पी, माइनस करके आंसर आएगा। तो सही है फॉर्मूला। तो आप दो इक्वेशन बनाएंगे, एक क्यू और ओ का, एक पी और ओ का, दोनों की पोटेंशियल डिफरेंस की इक्वेशंस को माइनस करेंगे, ओ पॉइंट कॉमन है वैसे कैंसिल हो जाएगा आंसर। तो आइडिया समझ में आ रहा है, कोई डाउट इसमें? तो आज की बात अगर रॉड का एक्सिस कहीं और है तो कैसे सॉल्व करना है, समझ में आ रहा है? तो फिर समझ में आ रहा है तो इसका आंसर दें, ऐसे ही क्वेश्चन सेम करें सॉल्व, सेम पैटर्न पे है।
हाँ जी, कितने लोगों का आ गया आंसर? कितने लोगों का आंसर आ गया? रूल वही है, रूल भूलना नहीं है, पी और क्यू पे निकालना है। तो रेफरेंस पॉइंट एक्सिस क्या है? ओ है। तो एक बार वी पी माइनस वी ओ निकाल दो। वी पी और वी ओ में इमेजिन करो एक रॉड है और वो रोटेट कर रही है, तो लेंथ क्या ली जाएगी? एल। और एक बार क्यू और ओ ले लो, तो वी क्यू माइनस वी ओ में लेंथ क्या ली जाएगी? ये एल, ये एल, तो ये कितनी? रूट टू एल। पाइथागोरस से रूट टू एल। ये देखो वी पी माइनस वी ओ में लेंथ कितनी? एल। वी क्यू और वी ओ में ये एल है, ये एल है, तो ये क्या? रूट टू एल। तो रूट टू एल, बाकी रॉड का फॉर्मूला सेम। फिर से एक बार इन्हें माइनस कर दो, वी ओ से वी ओ कैंसल, माइनस करके आंसर। क्या ये स्टेप समझ में आ रहा है कैसे करना है? ठीक है, तो अगर एक्सिस कहीं और लाई करता है रॉड का तो कैसे इसको सॉल्व करना है, यही तरीका है। क्लियर है? वी वी पी माइनस वी ओ और निकालना चाहते हो? रेफरेंस पॉइंट ओ लेना जरूरी है ना यार, एक्सिस ही हुआ है। जब ओ बिछो, अगर ओ को छोड़ के आंसर आते होते तो अपन ये क्यों करते? अपन पी और क्यू डायरेक्ट सॉल्व ना कर देते, आएगा ही नहीं। रेफरेंस पॉइंट ओ है ना, एक्सिस हुआ है तो ओ को तो इन्वॉल्व करना पड़ेगा, उस एक्सिस के अबाउट रोटेशन है। ऐसा है इसका आंसर। इस क्वेश्चन की प्रॉब्लम बताओ क्या है, मतलब क्या असली प्रॉब्लम है कि जे इसके अंदर कुछ नॉर्मल क्वेश्चन से डिफरेंट है? क्या डिफरेंट है? माइनस, क्या माइनस? क्या माइनस के क्या है? वो तो यार बी वेक्टर बोर्ड के अंदर है, उसमें कोई खास बात नहीं है। और कुछ जो तुम्हें अलग लगता हो? मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा इधर है नहीं, इधर है नहीं, नहीं नहीं, मैग्नेटिक फील्ड पूरा प्रेजेंट है जी, ऐसे डायग्राम ही ऐसा है, पूरा मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। कुछ और नई चीज बताओ। और क्या एरिया वेक्टर में क्या प्रॉब्लम है? एरिया वेक्टर हम ऐसे पलट गया, चलो ठीक है। आप ये कहना चाहते हो जब ये ऐसे है, बी और एरिया में एंगल जीरो है, जब ये 180 पलट गया तो एरिया वेक्टर अंदर चला गया, बी और ए में एंगल 180 मान गया। और कुछ जो डिफरेंट है? तो आपके हिसाब से अगर चेंज इन फ्लक्स निकालना हो तो इस, जब ये लूप यहां पर है तो फ्लक्स क्या होगा? बी ए कॉस जीरो। जब ये उल्टा पलट जाएगा तो एरिया वेक्टर बोर्ड के अंदर या बाहर आ गया तो बी ए कॉस 180। और क्या इसमें प्रॉब्लम है? फिर निकाल लो आंसर, आपको पता लग ही गया। मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है यार, मैग्नेटिक फील्ड कॉन्स्टेंट नहीं है, बी एक्स के ऊपर डिपेंडेंट है, जबकि आज तक जितने भी क्वेश्चन किए उसमें बी की वैल्यू हमेशा सेम है। तो जिसमें कांस्टेंट होती है उसमें प्रॉब्लम ही नहीं है, उसके अंदर बी ए कॉस जीरो, बी ए कॉस 180 माइनस करो आंसर। इसमें प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है? इसमें बी हर इंस्टेंट पर क्या हो रहा है? चेंज। अब बोलो फ्लक्स क्या निकलेगा? फॉर्मूला तो वही रहेगा बी ए कॉस थीटा का, फॉर्मूला तो वही रहेगा, तो क्या करनी पड़ेगी? इंटीग्रेशन, कुछ कर भी नहीं सकते इसमें। तो एक काम करते हैं, जब ये लूप यहाँ पर है तो मान लेते हैं बी और एरिया में एंगल जीरो है, तो चलो ठीक, ये लूप यहाँ पर है, बी और ए में एंगल जीरो है इसमें, तो फ्लक्स इनिशियल क्या होगा? बी ए कॉस जीरो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? बी चेंज हो रहा है। एक काम करते हैं, इस लूप का एक स्ट्रिप ले लेते हैं, एक एलिमेंट ले लेते हैं। ये जो एलिमेंट है कितनी दूरी पे लिया? एक्स। ये एलिमेंट एक्स दूरी पे लिया और इसकी थिकनेस कितनी है? डी एक्स। लेंथ कितनी है इसकी? एल। तो ये स्ट्रिप का एरिया क्या होगा? एल इंटू डी एक्स। तो पहले छोटा फ्लक्स निकलेगा, तो यहाँ पर x दूरी पर एरिया क्या है? l इंटू डी एक्स, और b की वैल्यू कितनी है? b नॉट इंटू x। b क्या के बने? b नॉट इंटू x। तो आपके पास या b नॉट इंटू x आएगा, क्या आएगा, क्या के बने? b कितना है? b नॉट इंटू x है, राइट, b नॉट इंटू x। ये गलत नहीं किया यार इसमें, b नॉट इंटू, हाँ ठीक है ठीक है, हाँ b को b नॉट इंटू x किया, राइट। तो इंटीग्रेशन करेंगे क्योंकि लेंथ लूप का कितना है? एल। तो इंटीग्रेशन जीरो से एल। तो क्या ये स्टेप क्लियर है? तो यहां से लिमिट पुट करके, ये इनिशियल फ्लक्स आया अभी, अभी तब आया जब इसको हिलाया नहीं है, पॉइंट समझ में आया? अब एक काम करते हैं, इसको पलट देते हैं, इसको पलट देंगे तो एंगल क्या हो जाएगा? 180। तो बी की वैल्यू वही बी नॉट इनटू एक्स, लेकिन इस बार लिमिट क्या लगेगी? लिमिट एल से टू एल। वो क्यों? क्योंकि पहले जीरो से एल लगी, अब लूप यहां पड़ा हुआ है तो एल से लेके कितना?
2L तक, तो L से लेके 2L तक इंटीग्रेशन सॉल्व करके क्या आएगा, फ्लक्स, फिर क्या निकलेगा, चेंज इन फ्लक्स आंसर। बस में यही प्रॉब्लम थी, वो तो आपको समझ में आ ही गया था, बी ए कॉस 0 बी ए कॉस 180। प्रॉब्लम क्या थी इसमें, बी की प्रॉब्लम थी, बी चेंज हो रहा है तो यहाँ पर फ्लक्स की वैल्यू इंटीग्रेशन से निकलेगी, इनिशियल भी और फाइनल भी। समझ में आ रहा है यहाँ तक, ठीक है। इसका आंसर एनुलर मेटालिक डिस्क का मतलब कटी हुई डिस्क, मतलब ऐसी डिस्क जो बीच में से हॉलो है, खाली है, इसे बोलते हैं। तो अंदर का रेडियस ए है, बाहर का रेडियस बी है, करो सॉल्व। देखो इस केस में ध्यान आगे प्लीज, एनुलर डिस्क है ऐसी, अंदर का रेडियस ए है, बाहर का रेडियस बी है, और आपको इसमें क्या करना है, ईएमएफ निकालनी है किन दो पॉइंट्स में, पी और क्यू के बीच में। अब प्रॉब्लम वही है रॉड वाली, बीच में तो कुछ है ही नहीं और रेफरेंस पॉइंट ओ है। आप याद करो, अगर पूरी डिस्क घूमती है, हमने लास्ट टाइम किया था, रॉड या डिस्क अगर घूमती है विद ओमेगा, तो कॉर्नर और सेंटर के बीच में ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बी ओमेगा इंटू आर स्क्वायर। हम एक काम करते हैं, पहले ये मान लेते हैं कि पूरी एक कंप्लीट डिस्क है, कोई कटी नहीं हुई, तो P और O के बीच में EMF क्या होगा, VP माइनस VO, तो रेडियस क्या पुट करेंगे इसका, B, एक आंसर। फिर मान लेते हैं बाहर वाली डिस्क नहीं है, सिर्फ अंदर वाली कंप्लीट डिस्क है, तो Q और O के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस में क्या पुट करते हैं, रेडियस A, तो एक आ गया VP माइनस VO, एक आ गया VQ माइनस VO, दोनों फिर माइनस करके VO VO क्या हो जाएगा, कैंसल, और फिर वी पी माइनस वी क्यू कैन बी कैलकुलेटेड। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, रॉड की तरह ही काम कर रहे हैं इसमें भी, पहले कंप्लीट, देखो जितने भी पोर्शन कटे हुए वाले क्वेश्चन है, चाहे वो सेंटर ऑफ मास है, चाहे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, चाहे ईएमआई, कुछ भी, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल काम करता है। पहले यह मान लिया जाता है पूरी डिस्क है, फिर मान लिया जाता है कटी हुई डिस्क है, फिर उन दोनों को माइनस करके बची हुई डिस्क का आंसर निकलता है, सबका प्रिंसिपल एक ही है। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक, ठीक। इसका आंसर
देखो क्वेश्चन है, अ स्ट्रेट कंडक्टिंग रॉड पी क्यू इज एग्जीक्यूटिंग SHM, तो यानी कि टू एंड फ्रो जा रहा है, ये मीन है, एक्सट्रीम मीन एक्सट्रीम मीन एक्सट्रीम, ऐसे रॉड मूव कर रही है, तो EMF तो जनरेट होगा क्योंकि मोशनल EMF लगेगा। प्रॉब्लम क्या है, आधे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, आधे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। तो वो कह रहा है कि वेरिएशन बताओ, अगर आपकी रॉड यहाँ से स्टार्ट होती है टूवर्ड्स राइट, फिर लेफ्ट, फिर लेफ्ट, फिर राइट, ऐसे मूव करती है, स्टार्टिंग यहाँ से होती है, तो EMF का ग्राफ क्या बनेगा ये बताना है। ये ग्राफ गलत है, पक्की बात है, डी आंसर नहीं है इसका, ठीक है। साइंस फैंड तब होता है जनरेटर घूमता है जब, ये वो नहीं है। तो इसमें आप खुद सोचें, जब ये रॉड यहाँ जा रही है तो EMF होगी, बिल्कुल कॉर्नर पॉइंट पे वो फॉर एन इंस्टेंट रुकेगी और वापस आएगी, जब वो रुकेगी उसी टाइम उसका EMF क्या हो जाएगा, जीरो, राइट। तो मान लो अगर ये यहाँ से यहाँ जा रही है तो EMF की वैल्यू इतनी है और कॉर्नर पॉइंट पे EMF क्या हो गई, जीरो, ये देखो जीरो। फिर क्या हुआ, रॉड ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली, तो जो EMF पॉजिटिव थी वो EMF नेगेटिव हो गई उसी टाइम, तो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होकर नेगेटिव क्वाड्रेंट में जाएगा, तो ऊपर से स्टार्ट होगा, जीरो होगा और नीचे निकल जाएगा। पहला पॉइंट क्लियर है, सही है यहाँ तक। अब रॉड कहाँ पर आई, वापस यहाँ पर आई। अब जैसी वो लेफ्ट जाती है तो मुझे एक बात बताओ कि जब ये यहाँ से लेफ्ट आ रही थी तो ग्राफ नीचे बन रहा था, लेकिन अब ये और लेफ्ट आ रही है तो ग्राफ फिर ऊपर बनेगा। क्यों, क्योंकि इस बार रॉड ने डायरेक्शन चेंज नहीं की, इस बार मैग्नेटिक फील्ड ने डायरेक्शन चेंज कर ली, तो जो EMF नेगेटिव आ रही थी वो EMF ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगी, तो फिर से ग्राफ ऊपर चढ़ जाएगा, फिर एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या हो जाएगी, जीरो, फिर जीरो, और फिर डायरेक्शन क्या करेगी, चेंज, तो चेंज। अब ये इधर आ रही थी, मैग्नेटिक फील्ड ही चेंज हो गया, फिर से ग्राफ ऊपर चढ़ गया, तो इस तरीके से ग्राफ बनता जाएगा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक कि कैसे सोच रहे हैं, कि जब ये रॉड इधर जा रही है कॉर्नर पर EMF जीरो, जब वापस आएगी तो EMF नेगेटिव, जब इधर जाएगी तो नेगेटिव नहीं जाएगी क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो गया, तो फिर से क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, और एक्सट्रीम पे क्या हो जाएगी, फिर से जीरो। तो ग्राफ का वेरिएशन का बी ऑप्शन रहेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे आपने इसमें सोचना है, इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे आपसे भी क्योंकि एक टॉपिक पेंडिंग है हमारा, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, वो हमने किया नहीं है, जो करेंगे फिर शीट को वापस लेके आऊँगा, ठीक। अभी ये यहीं तक है।